Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science class 6 chapter 5 separation of substances part 2. If you like the video then please press the like button and subscribe the channel. So let's start part 2 of separation of substances. Activity 5. Collect some muddy water from a pond or a river. Ek pond ya river mein se muddy water jo pani ki clear nahi hai aise pani collect kijiye. क्योंकि पॉन्ड और रिवर में ऐसे ही पानी होता है ना, वो तो ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है. इफ इट इज नॉट अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल नहीं है, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास. एक ग्लास में पानी लेकर उसमें थोड़ा सॉइल ऐड कीजिए तो फिर अब बन गया मडी वाटर. लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, उसको ऐसे ही हाफ एन आवर छोड़ दीजिए. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. अब उसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और आपने क्या ऑब्जर्व किया उसका ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए. डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, व्हाई, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस. क्या ऐसा हुआ क्या कि उसके बॉटम में कुछ सॉइल सेटल हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ, हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे. नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. अब ग्लास को धीरे से टिल्ट कीजिए जैसे कि विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, नीचे का जो सेटल हुआ है वो ऐसे सेटल ही रहेगा. ऐसे ही अब उसको टिल्ट कीजिए. लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, और उसका ऊपर जो पानी है वो अनदर ग्लास में ट्रांसफर कर दीजिए. व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर. अब जो दूसरे ग्लास में ऊपर का पानी ट्रांसफर किए, क्या वो अभी भी मडी है यानी कि क्लियर नहीं है. नाउ फिल्टर इट, तो उसको आप फिल्टर कर दीजिए. डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, ये फिल्टर काम आप टी स्ट्रेनर में भी कर सकते हैं और उसी में काम आया क्या. लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ, और ये काम हम एक पीस ऑफ क्लॉथ के थ्रू भी फिल्टर कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द ओवन थ्रेड्स, दो थ्रेड के बीच छोटे छोटे पोर रहता है, ये भी फिल्टर करने के लिए मदद करता है. दिस पोर्स इन ए क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज ए फिल्टर, है ना. तो इफ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर अभी भी वो मडी है वाटर, तो इम्प्यूरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय ए फिल्टर दैट हैज इवन, तो इम्प्यूरिटीज और भी कैसे सेपरेट हो सकता है, एक फिल्टर पेपर की मदद से. स्मॉलर पोर्स, ए फिल्टर पेपर इज वन सच दैट दैट हैज वेरी फाइन पोर्स. तो फिल्टर पेपर में बहुत छोटी छोटी पोर्स होते हैं, फिगर 5.9 में बहुत अच्छी तरह दिया गया है. शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग ए फिल्टर पेपर, को हम कैसे यूज करेंगे. ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन इज फिक्स्ड ऑनटू द फनल. फनल में फिल्टर पेपर को कोन के आकार में हम मोड़ेंगे और उसको फिटिंग करेंगे. द मिक्सर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, मिक्सर को फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे. सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन्स ऑन द फिल्टर. इससे क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स सारे फिल्टर पेपर में चिपक जाएगा और जो पानी पानी लिक्विड है नीचे बह जाएगा. ये आप देख पा रहे हैं फिगर 5.9 में कैसे मोड़ेंगे हम पेपर को और 5.10 में वो प्रोसेस कैसे कंटिन्यू करेंगे. तो फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प. तो फिर ऐसे ही जो वेजिटेबल जूसेस है फिल्टर किया जाता है और उससे क्या होता है, उसका सीड्स और सॉलिड पार्टिकल जैसे कि पल्प हुआ वो सब सेपरेट किया जाता है. द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कटेज चीज इन आवर होम. तो घर में जो पनीर बनाया जाता है इसी प्रोसेस से तो बनाया जाता है. आइए देखते हैं पनीर कैसे बनाते हैं. यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स. पहले मिल्क को गर्म किया जाता है, उसके बाद उसमें लेमन जूस कुछ ड्रॉप्स मिलाया जाता है. दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड. तो फिर वो लेमन जूस डालने के बाद उसमें सॉलिड पनीर और लिक्विड पनीर होता है, कुछ लिक्विड होता है जो कि हमें निकालना है. तो द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर. अब इसको एक फाइन क्लॉथ में या फिर थ्रू फिल्टर किया जाता है या फिर एक स्ट्रेनर के थ्रू, और ऐसे ही सॉलिड पनीर हमको मिल जाता है. अब आपको आ गया कैसे पनीर बनाना, ठीक है बच्चों तो पनीर बना लेना घर में क्योंकि पढ़ रहे हो ना, इसीलिए.
evaporation. Activity 6. Add 2 drops of salt to water in another beaker and stir it well. एक बीकर में आप पानी लेके उसमें 2 स्पून ऑफ सॉल्ट मिलाइए और उसको अच्छी तरह स्टायर कीजिए. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? आपने वाटर की कलर चेंज होते हुए देखा क्या? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? आपने बीकर में सॉल्ट का मौजूदगी देखा? आफ्टर स्टायरिंग, स्टायर करने के बाद क्या अभी भी सॉल्ट है? फिर द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, अगर है तो फिर बीकर को पानी को थोड़ा हीट कीजिए. लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, तो पानी जैसे गर्म होते जाएगा लास्ट में क्या होगा? व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, पानी बॉयल होता जाएगा लास्ट में बीकर में क्या रह जाएगा? इन दिस एक्टिविटी, इसी एक्टिविटीज में वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, हमने जो प्रोसेस का यूज किया वो प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन. टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, इसमें वाटर और सॉल्ट को अलग अलग किया जाता है. तो आइए देखते हैं इवेपोरेशन का डेफिनेशन. इवेपोरेशन क्या है? इट इज दिस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इंटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. समझे? प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इंटू वेपर, वाटर जो है इसी प्रोसेस में इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर हो जाएगा, तो उसको कहते हैं इवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली व्हेन एवर वाटर इज प्रेजेंट. ये दिन है रात है ऐसा नहीं मानता, इवेपोरेशन ये कंटिन्यूअसली होता है जहां जहां भी पानी मौजूद है. तो व्हाट डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, तो ये सॉल्ट कहाँ से आया? सी वाटर कंटेंट्स मेनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट. आइए आप देखते हैं कि हमारे सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो है ये कैसे बनता है. तो सी वाटर में सॉल्ट मिक्स हुए, विभिन्न प्रकार के सॉल्ट मिक्स होकर रहता है. वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, तो इसमें से एक सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट जो कि हम दिन प्रतिदिन अपने किचन में यूज करते हैं. व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर. उसी प्रोसीजर में सॉल्ट बनाने के लिए प्रोसीजर में पहले क्या करते हैं, सी वाटर को सेलो पीट्स में ला के रखते हैं. ये सेलो पीट्स मतलब एक गड्ढा, बड़ा बड़ा चौड़ा गड्ढा जो कि ज़्यादा गहरा नहीं होता. तो फिर उसमें उसका सरफेस ये बहुत ज़्यादा रहता है, गहराई ज़्यादा नहीं रहता. तो वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट, सूरज की किरणों से वो हीट होकर स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर होकर चला जाता है. और ये किस प्रोसीजर से? इवेपोरेशन के थ्रू वो इवेपोरेट हो जाता है. इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स. कुछ दिनों बाद सिर्फ सॉल्ट ही रह जाता है और सारा पानी इवेपोरेट होकर चला जाता है. कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेंड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्योरिफिकेशन. अब हमें सॉल्ट मिल गया पर हम ये सॉल्ट को ऐसे ही नहीं यूज कर पाएंगे, फिर उससे लिया जाएगा और बहुत सारे प्रोसीजर के साथ प्योरिफिकेशन होगा प्रॉपर, फिर हम इसको यूज कर पाएंगे. अब आपको पता चल गया कि कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है. ये देखिए, ये है जो सी 5.12 में बहुत अच्छी तरह दिखा गया है. सी वाटर में सेलो पीट्स किया गया है और फिर सॉल्ट बनाने का प्रोसीजर ये चित्र में देखा गया है. यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, तो वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर. एक मिक्सचर से कैसे सब्सटेंसेस को सेपरेट करें, कुछ प्रोसीजर हमने, मेथड्स हमने पढ़ा. ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशियंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर. कभी कभी सिर्फ एक मेथड के द्वारा सारे सब्सटेंसेस सेपरेट नहीं हो जाते. इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड्स. तो फिर ऐसे में अगर एक प्रोसेस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, सब्सटेंसेस सेपरेट नहीं हुआ, तो फिर हमको बहुत सारे प्रोसीजर भी अप्लाई करना पड़ता है. आइए देखते हैं एक्टिविटी 7 में. टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लीजिए. हाउ विल वी सेपरेट दीज, इन दोनों अगर मिक्स हो गए तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस. हमने पहले भी देखा है सॉल्ट और सैंड अगर मिक्स हो गया, हैंड पिकिंग तो काम नहीं आएगा. कीप दिस मिक्सचर इन बीकर एंड एड सम वाटर टू इट. ठीक है, इस मिक्सचर को एक बीकर में लेके उसमें थोड़ा सा पानी डालिए. लीव द बीकर एसाइड फॉर सम टाइम, और बीकर को थोड़ा साइड में कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए. डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट द बॉटम, आपने देखा क्या कि सैंड जाकर उसके बॉटम में सेटल हो रहा है? कि द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन.
सैंड को डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन से अलग भी किया जाता है। कैसे? व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेंट। जब हम डिकेंटेशन करेंगे लिक्विड में क्या होता है? डू यू थिंक दिस वाटर कंटेंट्स द सॉल्ट व्हिच वाज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग। आपको क्या लगता है, वाटर में वही सॉल्ट होता है जो पहले से मिक्सचर में था? तो नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट। अब हम सॉल्ट को अलग करें एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। डिकेंटेड लिक्विड तो हमने ले लिया, अब उसे डिकेंटेड लिक्विड में से हम सॉल्ट और वाटर को अलग करेंगे। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज इट्स लिड। हमारे पास अब सॉल्ट वाटर है, उसको हम केटल में लेके केटल के कवर को लीड को अच्छी तरह कवर कर देंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब केटल को हम हीट करेंगे। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। हमने देखा कि उसके हैंडल जो कैंडल कटल की हैंडल जो है स्पाउट, उसी से स्टीम निकल रहा है। टेक ए मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। एक मेटल प्लेट में कुछ आइस बर्फ भर के लाइए। फोल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द कटल एज शोन इन फिगर 5.13। तो फिर इसी प्लेट को आप उसके स्पाउट के पास दिखाइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? लेट ऑल द वाटर इन द कटल बॉयल अप। तो फिर ऐसे ही कटल का सारा पानी बॉयल होने दीजिए। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. जब स्टीम उसी से बाहर निकलता है और मेटल प्लेट के कॉन्टेक्ट में आता है, क्योंकि मेटल प्लेट में क्या रखा है, आइस रखा है, वो बहुत कूल है, तो फिर इसी कूल सरफेस के कॉन्टेक्ट में आने से उसी स्टीम कंडेंस हो जाता है और इससे क्या होता है, इट फॉर्म्स लिक्विड वाटर। अब ये लिक्विड वाटर होके ड्रॉप डाउन होके नीचे गिरता है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वेयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। और वो जो वाटर ड्रॉप गिरता है, ड्रॉपिंग होता है, वो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम की वजह से होता है। तो आपको पता चल गया कि कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन है, डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लीजिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इन टू इट्स लिक्विड फॉर्म। तो इसमें कन्वर्शन होता है कि कहाँ से कहाँ तक, वाटर वेपर टू इन टू इट्स लिक्विड फॉर्म, यानी कि वाटर वेपर जो वेपर फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और इसी प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर ए प्लेट That has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled. आपने देखा होगा जस्ट मिल्क बॉयल किया होगा, उसके ऊपर अगर हम प्लेट ढक देंगे और उसको उठा लेंगे तो कैसे ड्रॉप ड्रॉप वाटर गिरने लगता है, यही भी तो कंडेंसेशन है ना। After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? सारा पानी इवेपोरेट हो जाने के बाद अब देखते हैं कि केटल में क्या बचा पड़ा है। We thus have separated salt, sand and water using processes of decantation, filtration, evaporation and condensation. ऐसे ही हमने salt को, sand को, water को कैसे अलग अलग किया और इसके लिए हमने कई सारे methods apply किए, जैसे कि decantation, filtration, evaporation, condensation. सिर्फ एक ही method से काम नहीं बनेगा हमारा। तो पहली फेस्ट प्रॉब्लम while recovering salt mixed with sand. अब पहली जा रही है सॉल्ट और सैंड को अलग करने के लिए। सी हैज मिक्स्ड ए पैकेट ऑफ सॉल्ट इन ए स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। इन्होंने सॉल्ट और सैंड को मिक्स किया है। सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में जैसे दिया गया है वही मेथड उसने ट्राई किया टू रिकवर द सॉल्ट। She found, वो देखा कि however, that she could recover only a small salt part of the salt that had taken. जितना लिया था वो salt, उसका बस कुछ ही भाग ही उसको recover हुआ। What could have gone? आपको क्या लगता है उससे क्या गलती हो गई है? तो can water dissolve any amount of a substance? आइए देखते हैं। In chapter 4, we found that many substances dissolve in water and form a solution. तो solution कैसे बनता है? व्हाट इज सॉल्यूशन? जब किसी सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व करता है तो जो नया सब्सटेंस बनता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वो है सॉल्यूशन। रिजल्टिंग जो वाटर का बना, जिसमें सिर्फ वाटर ही नहीं बस वही सब्सटेंस भी डिजॉल्व होकर है, बस वो दिख सकता है नहीं भी दिख सकता है। वी से दैट
दिस सब्सटेंसेस आर सोल्युबल इन वाटर. जब वो डिजॉल्व हो जाता है सब्सटेंस तो हम बोलते हैं कि इट इज सोल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में मिल जाने वाला. व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंसेस टू ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर. अगर हम ऐसे फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर लेके ऐसे स्पून बाय स्पून वो सब्सटेंस ऐड करते जाएंगे तो फिर क्या होगा. आइए देखते हैं एक्टिविटी 8 में. यू विल नीड ए बीकर और ए स्मॉल पेन. इसके लिए आपको चाहिए एक बीकर या फिर एक छोटा सा पेन, ए स्पून सॉल्ट एंड वाटर, और एक स्पून सॉल्ट और वाटर चाहिए. तो इसमें क्या करना है, पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन द बीकर. एक बीकर लेके उसमें हाफ कप वाटर मिलाना है, डाल देना है. एड 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड स्टायर इट वेल अंटिल द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली. उसमें 1 teaspoon सॉल्ट देके स्टायर करके डिजॉल्व कर देना है, जैसे कि वो थोड़ा सा भी बाकी ना रहे. अगेन एड 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड स्टायर वेल. फिर 1 spoon ऑफ सॉल्ट देके फिर उसको आप स्टायर करेंगे. गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 teaspoon एट ए टाइम एंड स्टायर. ऐसे ही एक एक स्पून ऐड करते जाएंगे और स्टायर करते जाएंगे. पर याद रखिए, एक बार में एक ही स्पून आप ऐड करेंगे और उसको स्टायर करेंगे. आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर. ऐसे कई स्पून ऐड करने के बाद आपने ये देखा क्या कि अब तो डिजॉल्व नहीं हो रहा है और ये जाके नीचे सेटल हो रहा है. तो द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड. अब हम कहेंगे कि ये ऐसे सॉल्यूशन को जो कि नो मोर सॉल्ट कहें तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कैसे कहेंगे. डेफिनेशन देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए. नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन द सॉल्यूशन इज सेट टू बी सैचुरेटेड. जैसे हम दोपहर में खाना खाने के बाद अगर कोई बोलेगा कि चलो और 4 मुट्ठी चावल खा लो तो तुम क्या बोलोगे, नहीं बाबा मेरा पेट भर गया और बिल्कुल नहीं जाएगा अंदर. तो फिर ऐसे में हम बोल सकते हैं हम सैचुरेटेड हो गए, है ना. तो फिर इसी हिसाब से इसको याद रखिए. Here is a hint as to what might have gone wrong when Pahli tried to recover large amount of salt mixed with sand. तो फिर पहली का ऐसा क्या गलती हुआ जब उसने बहुत सारे सॉल्ट उसमें मिक्स किया था. पर द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वॉज मच मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. शायद उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना सॉल्ट चाहिए उससे कई ज़्यादा सॉल्ट मिला लिया था. तो इससे क्या होगा, द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट, जो सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो पाया वो वुड हैव रिमेंड मिक्स्ड विद द सैंड. तो फिर वो सैंड के साथ मिलकर नीचे रह जाएगा ना, एंड कुड नॉट बी रिकवर. और वो वाला तो नहीं रिकवर हो पाएगा क्योंकि वो तो सैंड के साथ रह गया. सी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर. ऐसे में क्या करेंगे, अगर वो एक्स्ट्रा सॉल्ट को हम चाहते हैं कि डिजॉल्व हो जाए तो उसमें थोड़ा सा और पानी मिला लेंगे. तो उसको कहा कि हमने पहली को चलो पहले और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर मिला लो. सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर. पर उसने कह दिया ना मेरे पास तो और वाटर है ही नहीं. इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड. ऐसा कुछ बताओ कि जैसे कि मोर इट मेड टू डिजॉल्व, जैसे कि और सॉल्ट पहले से ज़्यादा सॉल्ट उसमें सैचुरेटेड, उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फिर से डिजॉल्व हो जाए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा वह एक्स्ट्रा वाटर हम मिला नहीं सकते पर चाहते हैं कि सॉल्ट डिजॉल्व हो जाए. चलिए देखते हैं एक्टिविटी 9 में हम क्या करने वाले हैं. टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट. एक बीकर में पानी लेके उसमें सॉल्ट ऐड करते जाइए जैसे कि और वो आगे सॉल्ट नहीं डिजॉल्व कर पाएगा, यानी कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बना लिया. दिस विल गिव यू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. तो नाउ एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट. अब और थोड़ा सा सॉल्ट उसको मिलाइए, उसमें डालिए और उसको हीट कीजिए. व्हाट डू यू फाइंड, अब आपने क्या देखा. व्हाट हैपेंस टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर. वो जो बॉटम में थोड़ा अनडिजॉल्व सॉल्ट रह गया था बीकर में, इसका क्या हुआ, डज इट डिजॉल्व नाउ. तो उस वो डिजॉल्व हो गया क्या. इफ यस, अगर ऐसा हो गया, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व्ड इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट. तो और थोड़ा हीट कर दें तो और थोड़ा सॉल्ट क्या डिजॉल्व हो जाएगा. लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल. अब ये हॉट सॉल्यूशन को अब हम ठंडा करते हैं.
Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? आपको क्या लगता है, ठंडा करने के बाद वो जो हमने एक्स्ट्रा सॉल्ट डाला था वो फिर बीकर में जमा हो गया? तो द एक्टिविटी सजेस्ट दैट, इसी एक्टिविटी से हमने ये जाना कि लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर ऑन हीटिंग। अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो और भी ज़्यादा सॉल्ट उसमें डिजॉल्व किया जा सकता है। डच वाटर डिजल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सेल्युबल सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। आपको क्या लगता है कि सारी सब्सटेंसेस इक्वल अमाउंट में वाटर डिजल्व करता है? आइए देखते हैं एक्टिविटी 10 में। टेक टू ग्लासेस एंड पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। दो ग्लास लीजिए, उसको हाफ कप ऑफ वाटर दोनों में दीजिए। एड ए टी स्पून ऑफ सॉल्ट टू वन ग्लास एंड स्टर टिल द सॉल्ट डिजल्व्स। Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturates. Record the number of spoons of salt and dissolve in the water. Half cup of water दोनों glass में हमने ले लिया, एक में हम salt spoon by spoon add करते जाएंगे, stir करते जाएंगे, add करते जाएंगे, stir कर, तो एक ऐसा time आएगा जबकि वो saturated solution बन जाएगा और इससे आगे वो dissolve नहीं कर पाएगा। तो फिर उसी time number of spoons कितना चाहिए सॉल्ट का वो हम नोट करेंगे इन द टेबल 5.2 में। नाउ अब हम सेकंड ग्लास के साथ क्या करने वाले हैं, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर। शुगर ऐड करते जाएंगे, एक स्पून ऐड करते जाएंगे, फिर नोट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस और फिर हम नोट करेंगे कि कितना स्पून में वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। तो दोनों का कैपेसिटी अलग होगा या सेम होगा? रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे सिर्फ सॉल्ट और शुगर ही नहीं बल्कि और भी चीज़ें हम लेके उसमें डिजॉल्व करके नोट कर सकते हैं कि एक्चुअली ये सेम है या नहीं। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? टेबल 5.2 में आपने क्या नोटिस किया, क्या देखा आपने? डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स? तो वो डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट अमाउंट में डिजॉल्व करता है। वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने बहुत कुछ मेथड्स कैसे सब्सटेंस को सेपरेट करें उसका डिस्कस किया। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी। उसमें से तो कुछ मेथड साइंस लेबोरेटरी में भी यूज होता है। वी ऑल्सो लर्न दैट ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड। हमने ये भी देखा सोल्यूशन कैसे बनाते हैं कि सब्सटेंस को लिक्विड में डिजॉल्व करके, ठीक है, सोल्यूशन कैसे बनाते हैं सब्सटेंस को लिक्विड में डिजॉल्व करके। ए सोल्यूशन इज सेट टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। और सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं कि इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट, और ज़्यादा सॉल्ट या शुगर हुआ ऐसे कुछ भी सब्सटेंस हम उसमें नहीं ऐड कर पाएंगे, डिजल नहीं कर पाएंगे, सो उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। होप यू एंजॉयड माय टीचिंग। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट चैप्टर अपलोडेड बाय मी। थैंक यू।